अस्सलामुअलैकुम। वक्त बदल रहा है और ज़रूरत है कि हम भी खुद को बदलें। वो वक्त नहीं रहा कि हमें अपनी फैक्ट्री लगाने के लिए करोड़ों रुपए की ज़रूरत होती थी। अब छोटी मशीनरी भी हमारे पास ऐसी ऐसी मौजूद है जो कि ऑल इन वन काम करती है, एक ही मशीन। अब यही आपकी एक छोटी सी मशीन देख लें, ये राइस या जिसे हम चावल कहते हैं, चावल निकालने वाली, चावल छड़ने वाली मशीन है जी। इसमें ऑल इन वन फीचर्स हैं। एक छोटी सी मशीन है आपके सामने, आप देख सकते हैं। ये आपके चावलों को जो झोना होता है उसको ये छान साफ भी करती है, उसमें से गंद वंद निकालती है, खालिस जो हमारी मुंजी होती है वो यहाँ पे आती है। और इसमें एक और मज़े का फीचर है कि इसी के अंदर पॉलिशर भी लगा हुआ है। एक छोटी सी मशीन जो आपके मुंजी को साफ़ करती है, सबसे पहले गंद निकाल देती है, फिर छड़ भी देती है, मतलब के अंदर से चावल निकाल देती है, और फिर पॉलिश भी कर देती है। ऑल इन वन फीचर, एक बहुत बड़ा जो लाखों रुपए का सेटअप था अब एक छोटी सी मशीन में समा गया। फिर यही नहीं, मज़े की बात एक और है कि यहाँ से जब चावल निकलते हैं तो जो टोटा होता है हमारा वो अलग निकल आता है, और जो साबुत चावल होता है वो अलग निकल आता है। अभी मैं इसको आपको वर्किंग वीडियो भी दिखाता हूँ, आई होप आप इन्जॉय करेंगे, और उसके बाद हम मज़ीद इस पर बात करते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले आप देख रहे हैं कि इसमें हमने जो दान है उसको डाल दिया है, और अभी हम इसको मशीन को चला देंगे। ये ले जी, इसका जो स्विच ऑन कर दिया गया है, और यहाँ पे इसकी पॉलिश को हम सेट कर देंगे कि हम इसको कितना पॉलिश करना चाहते हैं, और यहाँ से हम इसकी नीचे चावल जाने के लिए या जो धान है आपकी जो मुंजी है उसको नीचे जाने के लिए हमें जगह छोड़ती है। और यहाँ से अब आप देख रहे हैं कि मुंजी या झोना या चावल या जो भी आप इसको कहते हैं, ये नीचे जाना शुरू हो गया। नीचे छानना लगा हुआ है जिसमें वो एक एक दाने को अलग अलग साफ करके नीचे भेजता है। फालतू की जो चीज़ें होती हैं, जो लकड़ियाँ टुकड़े वगैरह कुछ भी ऐसी चीज़ आ जाती है, वो तो उसको नीचे नहीं जाने देता। और ये आप जैसा कि देख रहे हैं कि इसमें हमने कुछ कंकर और कुछ इस तरह की चीज़ें खुद जानबूझ के डाल दी, ताकि ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट हो जाए और हमें पता चल जाए कि इन चीज़ों को ये साइड पे किस तरह से निकाल रहा है। इसके बाद अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे आपको चावल गिरते हुए नज़र आ रहे हैं, ये सालन और साबत चावल हैं। इसका जो टोटा है वो अलग हो रहा है, ये आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार पॉलिश हुए चावल इस वक्त इस मशीन से निकल रहे हैं, जबकि दूसरी जानब बहुत थोड़ी मिकदार में हमारा टोटा या छोटा चावल जिसे हम कहते हैं वो अलग से होकर निकल रहा है। एक छोटी सी मशीन है, मल्टी फंक्शनल है, ऑल इन वन है, तमाम फंक्शन इसमें हैं। और दूसरी सम उसके जो फालतू चीज़ें हैं, जो कंकर हैं, जो रोड़ियाँ हैं, उनको बिल्कुल अलग कर रहे हैं। और पीछे अगर आप पैर से थैला देख रहे हैं तो उसमें आपकी टूड़ी या फट जो भी आप उसे कहते हैं हो जा रही है। ये नहीं, ये तमाम कंकर रोड़ियाँ शोड़ियाँ अलग से निकालता जा रहा है। हमारा बेहतरीन किस्म का चावल जनाब रेडी है, पॉलिश हो चुका है, और इसमें से छिलका भी उतर चुका है। अभी हम जो तूड़ी कह लें या भग कह लें या बरादा कह लें, जो भी आप इसे कहते हैं, जो छिलका होता है चावल का, वो अलग से जमा हो गया है, और उसको हम अलग से इसमें निकाल लेते हैं। ये आप देखिएगा, बड़ा ही शानदार किस्म की जो तूड़ी है या छिलका है उसको साइड पर उतार दिया गया है। याद रहे ये छिलका अलग से सेल होता है, चावल अलग से यूज में आते हैं, और जो टोटा है वो अलग से इस्तेमाल होता है। तो ऑल इन वन छोटी सी मल्टी फंक्शनल मशीन है जो कि आपको मिल जाएगी। सिंगल फेज 3 हॉर्स पावर मोटर के साथ भी ये सेटअप अवेलेबल है, और 7.5 हॉर्स पावर के इंजन के साथ भी अवेलेबल है। मतलब कि अगर आप बिजली पे चलाना चाहें तो घर वाली बिजली पे चलेगा, और अगर आप पीटर इंजन पे चलाना चाहें तो वो भी आपको सेटअप मिल जाएगा। 150 किलो फी घंटा इसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी है, मतलब कि तकरीबन 4 मन चावलों से छिलका उतार सकती है, और बड़ी ही बेहतरीन किस्म की छोटी सी और जदीद किस्म की ये मशीन अवेलेबल है। आप बिजनेस स्टार साहिवाल से इस मशीन को ख़रीद सकते हैं, ऑर्डर कर सकते हैं। आप अपने अगर पहले ऑलरेडी आपके पास आटा चक्की चल रही है तो उसके साथ ही एक एडिशनल बिजनेस हो सकता है, और अगर आप सिर्फ
चावलों का बिजनेस करना चाहे, चावलों से छिलका उतारने का बिजनेस करना चाहे, तो ये जदीद ऑटोमेटिक सेटअप है जनाब, मिनी राइस मिल है जो कि सारे काम करती है एक छोटी सी मशीन, वो भी सिंगल फेज कनेक्शन के साथ। इससे पहले अगर हम सोचते भी थे शैलम के बारे में तो बहुत बड़ा सेटअप 20-25 लाख 30 लाख रुपए तक में बाउंड करने पड़ते, फिर 3 फेज कनेक्शन चाहिए, फिर कुछ 5-6 मरल जगह चाहिए, इसको आप अपने एक कमरे में लगाएं और आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। मज़ीद बेहतरीन वीडियोस और इसी तरह के जदीद मशीनरी के साथ बिजनेस टास्क साहिवाल और बिजनेस स्कूल यूट्यूब चैनल दोनों की मुश्तर तावन से आपकी खिदमत में हाजिर होता रहूँगा। नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, ऑर्डर कर सकते हैं, मज़ीद इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।